पॉइंट टू, ऐड द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 9x² एंड 8x², हमें ये ऐड करने हैं। ऐड करने हैं तो बीच में क्या साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। ऐड कर दो कोफिशेंट को कोफिशेंट के साथ, 9 8 17x² -5xy एंड -12xy। पहले तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये लाइक टर्म्स होने चाहिए, यानी इनके वेरिएबल सेम होंगे तभी हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे x² और x² लाइक टर्म थी तो ऐड हो गए, क्योंकि जो लाइक टर्म्स है वो उनके वेरिएबल सेम ही रहेगा लास्ट में भी। अगर जो दोनों अलग अलग होंगे तो हम किसको लिखेंगे ये हमें नहीं पता, तो हमें लाइक टर्म्स को ही कर सकते हैं। आपने सबसे पहले काम तो यही देखना है कि आ ये लाइक टर्म्स हैं, अगर हैं तो बीच में हम एडिशन का साइन लगाएंगे, देन प्लस माइनस माइनस -5 एंड -12, -17 होते हैं, तो दीज आर -17xy। थर्ड पार्ट खुद से करना है। फोर्थ पार्ट अब देखो, ये लाइक टर्म्स हैं -5 एंड 12, तो क्या बनेगा, 7x³ -6x² एंड -5x², एडिशन का साइन लगाना है बीच में क्योंकि उसने बोला है प्लस करने हैं। माइनस प्लस माइनस माइनस हो गए, 6 5 11 हो गए, -11x². ऐड द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब हमें इन्हें ऐड करना है इसी तरह से। देखो ये सारी लाइक टर्म्स हैं तो हम इन्हें ऐड कर देंगे, 8 5 13 हो गया, प्लस माइनस माइनस 6x² x y² ठीक है, 13 में से 6 गया 7, 7 और 1 8। इसी तरह यहाँ पे 6x² -8x² -9x² +3x², 6 में से 8 गया -2 हो गया, -9 में से 3 गया -6 हो गया, दोनों का ऐड करा माइनस का 8 हो गया। थर्ड पार्ट खुद से करना है। अब ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय रो मेथड एंड कॉलम मेथड। अब हमें वही काम करना है, हमें लाइक टर्म्स को ही करना है। रो मेथड में तो क्या करेंगे, ए प्लस टू बी प्लस सी प्लस -b+c। अब हमें क्या करना है, प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, ओपन कर देंगे -b+c। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लो, ए टू बी -b, सी प्लस सी। ए टू बी में से बी गया, बी सी और सी ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2c। अगर कॉलम मेथड करते हैं तो हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा रखना है, ए टू बी प्लस सी, बी बी के नीचे बी वाली टर्म आएगी, सी के नीचे सी वाली टर्म आएगी, ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ करेंगे x² प्लस y² z² -y² एंड -x² -z². अब इनको रो मेथड में तो प्लस के साइन के साथ कनेक्ट करेंगे, प्लस के साइन को ओपन करेंगे, z² -y² -x² -z², सब कट हो गए, जीरो आंसर आ गया। कॉलम मेथड में देखेंगे x² प्लस y², y के नीचे y वाली टर्म आएगी -y², z की है नहीं तो अलग से लिख देंगे, -x² x के नीचे आएगी, z के नीचे z वाली आएगी, x² -x² 0, y² -y² 0, z² -z² 0। इसी तरह इसको देखेंगे 6x -3y प्लस 4z प्लस, कनेक्ट कर दिया इसको हमने इसके साथ रो मेथड में, प्लस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, सेम रहेंगे, -x प्लस 2y -3z। एक्स वाली टर्म को एक्स वाली के साथ, वाई वाली टर्म को वाई वाली के साथ, जेड वाली टर्म को जेड वाली के साथ, बीच में सबके क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। 6x में से x गया 5x -y z, ये आंसर आ गया। इसी तरह कॉलम मेथड करेंगे तो x में x वाली टर्म, y में y वाली टर्म, z में z वाली टर्म, सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। फोर्थ फिफ्थ सिक्स पार्ट खुद से करना है इसी तरीके से। सेवन्थ पार्ट देखो, 8x² प्लस 3xy -y² -2x² प्लस 6y एंड 4 -4xy प्लस 2y² रो मेथड में सबको कनेक्ट करेंगे विद प्लस साइन, ओपन करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करके आंसर लिख देंगे। कॉलम मेथड में इसी तरह से लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर लिख लेंगे, क्लियर। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में क्या करेंगे, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, नाउ 3x² -y² फ्रॉम x² प्लस 6y², यानी हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो ये पहले आएगा x² प्लस 6y² माइनस दिस -3x² -y², माइनस का साइन है वो अंदर के सभी टर्म्स के साइन चेंज कर देगा, ये प्लस की है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, बस बाकी वही काम करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो, x² -3x² प्लस के साइन के साथ 6y² प्लस y², सोल्व करो, -2x² प्लस 7y², ये आंसर आ गया। दिस फ्रॉम दिस, तो ये पहले आएगा माइनस दिस
माइनस के टर्म, माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का हो गया, प्लस का है तो माइनस का हो गया। लाइक टर्म्स को इकट्ठा करो, 7a+2a माइनस 4b-3b सी प्लस 4c 2-1। सोल्व करेंगे, 7a+2a 9a माइनस 4-3-7b, 7 1+4 5c, 2 में से बन गया 1, तो 9a-7b+5c+1। थर्ड फोर्थ पार्ट खुद से करना है। 6a³y-8a² y² फ्रॉम 2a² y² प्लस 4a³y, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का साइन है अंदर के साइन चेंज करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, a² y² a² y² 8 और 2 10, 4a³y a³y 4-6-2। फिफ्थ से टेंथ क्वेश्चन जो है वो ओमिट है।